हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं खरड़ कार्निवल मेला देखने। यहाँ पे जर्मनी सर्कस भी लगी हुई है, तो हम रैमसी को यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ जी, के लिए क्या चल गया? मेला। अच्छा, चलो। ये जो मेला है खरड़ चंडीगढ़ हाईवे पे लगा हुआ है, और इसकी एंट्रेंस टिकट जो है वो 20 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, टैडीज़ जो है वो 50 रुपीज़ के हैं, और बुक्स की शॉप है, बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, ड्रेसेस हैं अच्छी 250 के रेंजेस में, और स्लीपर्स भी हैं, झूले भी हैं बच्चों के लिए बहुत सारे। तो अच्छी जगह है। ये जो मिकी वाला ट्रैम्पोलिन है इसके 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। बच्चों का जैसे कि शौक ही होता है कि झूले वगैरह लेना, तो रैमसी दूसरे ट्रैम्पोलिन पे आई है, तो ये यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, और इसकी प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ है। ये जो गाड़ी है इसका भी 30 रुपीज़ चार्जेस है। मतलब अच्छा है, रेंज भी अच्छी है, और आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं, और अच्छा है खाने के लिए। तो यहाँ एक साइड एक खाने का एक स्टॉल लगा हुआ है, तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये है रंगीला पान पॉइंट। अलग अलग तरह के यहाँ पे पान मिल रहे थे, और वहाँ सामने गोलगप्पे का स्टॉल है और खाने पीने की स्टॉल है, और ये जो ये वाली स्टॉल है ये यहाँ पे राजस्थान के फेमस, मतलब जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं वो मिल रही थी, कुर्तीज़ वगैरह मिल रही थी, और ये स्टॉल इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं वो मिल रहे थे वहाँ पे। और रैमसी के लिए हमने रिंग्स ली, 50 रुपीज़ की 7 रिंग्स थी, तो बहुत अच्छा था, रीज़नेबल रेट पूरे उसमें, मतलब हम ले सकते हैं। ये जो है ये भी 30 रुपीज़ का था झूला, मतलब अच्छा है। आप अपने बच्चे को लेके आएं, उनको एंजॉय करवाएं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सर्कस का टाइम था 7:30 बजे का, तो हम लेट हो चुके थे इसलिए। तो अब हम खाने लगे हैं बर्फ़ का गोला, तो बर्फ़ का गोला बहुत टेस्टी था। हमने इसके बाद हम जाएंगे घर, तो रास्ते में जाते हुए एक न्यू शॉप खुली है पेट्स की, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम पैरट्स का पता करके आए कि यहाँ पे पैरट मिलते हैं जो हमें चाहिए, तो इनके पास नहीं थे, बट ये वाले बर्ड्स जो हैं इनके पास अवेलेबल थे, तो बहुत अच्छा लगा इनकी शॉप पे बर्ड्स को देख। तो गाइज, आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।